दोस्तों, दुनिया की जो सबसे पहली कार थी वो ऐसी दिखती थी। आप देखिए, टोटल उसमें 3 व्हील थे और आगे एक छोटा सा व्हील था, और इस तरह से चलती थी। और देखिए कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं उसको देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं उसकी डिटेल। दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली कार बहुत ही अजीब थी, जिसमें सिर्फ 3 पहिए थे और पीछे उसका इंजन था, जिसका आविष्कार किया था जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज ने 1886 में। और उसका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार का था: मॉडल बेंज पेटेंट मोटर वैगन, स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा, इंजन में 4 स्ट्रोक कार्बोरेटर और वाटर से कूलिंग होता था, सिलेंडर सिर्फ एक हुआ करता था, और इंजन का वॉल्यूम था 954 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका पावर सिर्फ 0.9 हॉर्स पावर 400 RPM पे, और उसका वजन था 265 किलो, और कार की हाइट थी 1.4 मीटर, और कार की लंबाई 2.4 मीटर थी। तो दोस्तों, यही साइकिल जैसी दिखने वाली सिंपल सी फर्स्ट कार थी, और आज ये कार जर्मनी के म्यूजियम में रखी गई है।